महाराष्ट्र के ठाणे में नए साल से एक दिन पहले पुलिस ने एक रेव पार्टी पर छापा मारा। ठाणे क्राइम ब्रांच की टीम ने इस पार्टी पर कार्रवाई करते हुए कई लड़के और लड़कियों को हिरासत में लिया है। रिपोर्ट देखिए। रेव पार्टी, इस चीज से आप भली भांति परिचित होंगे क्योंकि हाल ही में एल्विस यादव को लेकर ये शब्द बेहद चर्चा में आए थे। हालांकि इंडिया में इसे इलीगल माना जाता है, पर बावजूद इसके कुछ रईस ज्यादे अपनी फैंटेसी को पूरा करने के लिए इस तरह की पार्टियां करते हैं जिसमें तरह तरह की नशीली चीजों का सेवन किया जाता है। बीती रात एक ऐसी ही पार्टी में छापा मारा गया जिसमें 100 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है। दरअसल ठाणे पुलिस ने एक निजी स्थान पर खुलेआम ड्रग और शराब के साथ एक नए साल की पूर्व संध्या पर चल रही रेव पार्टी का भांडाफोड़ किया। इस दौरान पुलिस ने कम से कम 100 युवाओं को हिरासत में लिया है। सूत्रों से मिली रिपोर्ट के बाद ठाणे पुलिस का एक बड़ा दल रविवार तड़के कासरवाडावली पुलिस स्टेशन के पास घोड़बंदर रोड पर पार्टी स्थल पर पहुंचा और परिसर में छापेमारी की। गुप्त सूचना से मिले आधार पर पुलिस की टीम रविवार तड़के यहां पर पहुंची और दबीज दी गई। बता दें कि पुलिस ने सुबह तक ठाणे और आसपास के 100 युवाओं को हिरासत में लिया, उसके बाद उन्हें मेडिकल टेस्ट और अन्य प्रोटोकॉल के लिए भेजा गया है। वहीं पुलिस ने लोकेशन वाली जगह से शराब, कई तरह की ड्रग, नशीले पदार्थ और अन्य अवैध सामान जब्त किए हैं। बता दें कि रेव पार्टी में शराब के साथ प्रतिबंधित अन्य नशीली दवाओं की मौजूदगी होती है। इस तरह की पार्टी का आयोजन गुमनाम तरीके से किया जाता है। गुपचुप तरीके से आयोजन के बाद इच्छुक लोगों को बुलाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, KBC न्यूज़।